बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, पाकिस्तान आर्मी पब्लिक स्कूल जो है उसमें आर्मी पब्लिक स्कूल और कॉलेज में बहुत ही अच्छी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, जिनके बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। लेकिन अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन को भी क्लिक कर दें, ताकि जॉब्स नोटिफिकेशन, अपडेट्स और डिफरेंट किस्म की जो इन्फॉर्मेशन है उसकी वीडियोज़ आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट पेपर की तरफ। ये है आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज फॉरंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन का एप्लीकेशन फॉर्म। जॉब टाइटल देख लेते हैं जी। सीनियर टीचर के लिए है, जो कि इंग्लिश टीचर है। इसके लिए असामियों की बात की जाए तो दो असामियाँ हैं, ठीक है। मैथमेटिक्स की टीचर एक असामी, केमिस्ट्री की टीचर के लिए एक असामी, और ज़्यादा से ज़्यादा जो एज है 35 साल तक के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MA, MSc, BS और डेफिनेटली टीचिंग जॉब है तो बीएड होना ज़रूरी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुतलका सब्जेक्ट के मुताबिक अगर आपने मास्टर किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मिडिल टीचर के लिए। इसके लिए इंग्लिश टीचर के लिए तीन असामियाँ, मैथमेटिक्स के लिए दो असामियाँ, कंप्यूटर टीचर के लिए एक असामी, उर्दू इस्लामी टीचर के लिए एक असामी। इसमें 35 साल तक एज लिमिट है। और क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर डिग्री बीएड के साथ अगर आपने किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट आते हैं जूनियर टीचर प्री क्लासेस के लिए। इसके लिए जूनियर टीचर के लिए चार असामियाँ, असिस्टेंट टीचर के लिए पांच असामियाँ, और एज की बात की जाए तो 30 साल तक के जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मास्टर ग्रेजुएशन आपने अगर किया हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है जी। नीचे आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ की है। इसके लिए अकाउंटेंट मेल के लिए जॉब है, एक असामी है, ठीक है जी, जिसके लिए 35 साल तक के जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो MBA MCOM अगर आपने किया हुआ है अकाउंट्स में तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है IT सुपरवाइज़र के लिए एक असामी, ठीक है जी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो BSIT अगर आपने की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्लर्क की, इसके लिए दो असामियाँ हैं, ठीक है जी। बैचलर डिग्री वाले जो लोग हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है ऑफिस बॉय, इसके लिए एक असामी, ठीक है जी। और लास्ट आता है आया, इसके लिए भी एक असामी। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो प्राइमरी पास जो लोग हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। मिडिल अगर आपने किया हुआ है तो ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी आपको, ठीक है जी। अप्लाई करने के तरीके की तरफ चलते हैं। अप्लाई करने का तरीका जो है, आपने अपनी सिर्फ CV लेनी है, बाकी बकाया डॉक्यूमेंट्स आपने नहीं लेने। CV के साथ अपनी शिनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो आपने, इनका जो एड्रेस दिया हुआ है मैनेजर HR एजुकेशन ब्रांच, ठीक है जी, इस एड्रेस पे जो आपने अपनी CV, सिर्फ CV, ID कार्ड की कॉपी इस एड्रेस पे आपने उनको सेंड कर देनी है। जिस लिफाफे में आप अपनी CV जो है रख कर आप उनको सेंड करेंगे, उस लिफाफे के टॉप पे आपने, राइट कॉर्नर पे आपने जो है ये लिखना होगा कि आप किस असामी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है जी। ये थी अप्लाई करने का तरीका। अगर वीडियो पसंद आई है आज की तो वीडियो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।